नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हो चुकी हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कथा के साथ जो कि हमारी रामायण में मिलती है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के सभी पात्रों से वैसे तो आप सभी लोग परिचित हैं। आप लोगों ने भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में सब कुछ जाना, लेकिन श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और उसकी पत्नी के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग कम ही जानते होंगे। दोस्तों, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला आज के हमारे इस वीडियो की मुख्य पात्र रहेंगी। उर्मिला, बात की जाए उर्मिला की तो वह माता सीता की छोटी बहन थी। उनकी माता का नाम सुनैना और पिता का नाम राजा जनक था। उनके यानी लक्ष्मण और उर्मिला के दो पुत्र थे जिनका नाम था अंगद और धर्मकेतु। रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी उर्मिला को छोड़कर श्री राम और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने वाले थे, तब उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई, लेकिन लक्ष्मण जी ने उर्मिला से कहा वहाँ वन में प्रभु श्री राम और सीता भी होंगे जिनकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, ऐसे में मैं तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। ये बात सुनकर उर्मिला मान गई। लक्ष्मण जी जब राम रावण युद्ध के दौरान मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। तब उर्मिला ने ही हनुमान जी को बताया था कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के पीछे असली कारण क्या है। आनंद रामायण के अनुसार जब हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ पर संजीवनी पर्वत उठाकर प्रभु राम के पास चल दिए थे, उनको मालूम ही नहीं था कि पर्वत में संजीवनी जड़ी बूटी है कौन सी। ऐसे में हनुमान जी जब अयोध्या के नज़दीक से जा रहे थे, तभी उन्होंने अयोध्या में श्री राम के परिवार के दर्शन करना सही समझा। अर्धरात्रि का समय था, अब तक उन्होंने सभी के दर्शन किए, लेकिन लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला के दर्शन उन्होंने नहीं किए थे। दरअसल वह विशिष्ट साधना में मग्न थी। जिज्ञासावश हनुमान जी ने ध्यान लगाया तो देखा कि उर्मिला ने 14 वर्षों तक की अवधि के लिए विशेष साधनों का प्रण लिया हुआ है तथा वह विशिष्ट साधना में पूरे मनोयोग से उसे पूरा कर रही है। तभी उन्हें माता उर्मिला ने पुकारा, उनका कुशल क्षेम पूछकर कहा, मैंने आपको पहचान लिया है मारुति नंदन, और मुझे मालूम है कि मेरे पति इस समय मूर्छा में है। आप उनके लिए इस पर्वत को लेकर जा रही हैं जिसमें संजीवनी जड़ी बूटी है। मेरे पति लक्ष्मण जी ने शबरी के जूठे बेरों का अपमान किया था, उन्हीं बेरों का परिवर्तित रूप संजीवनी से उनकी मूर्छा दूर होगी, उनके लिए यही प्रायश्चित है। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की खास वीडियो में उर्मिला से जुड़े कुछ रोचक तत्व, जहां पर सभी लोगों को लगा था कि लक्ष्मण के मूर्छित होने की बात सुनकर उर्मिला की आंखों से आंसू निकल जाएंगे, लेकिन आप जानती ही हैं कि जब लक्ष्मण 14 वर्ष की वनवास पर जा रहे थे तो उन्होंने उर्मिला से कहा था कि ना तो वो कभी आंसू बहाएंगी ना वो रोएंगी, इसीलिए उर्मिला ने आंसू नहीं बहाए। और चूँकि उर्मिला खुद भी एक दैव्य शक्ति के साथ जन्मी थी, इसीलिए उनमें ये शक्ति थी कि वो जान सके कि लक्ष्मण की जो हालत हुई है वो कैसे हुई है। आशा करती हूँ आप लोगों को हमारी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ उर्मिला के बारे में सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।